मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जिगर त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हॉलीडे डायरीज। आज त्रंबकेश्वर जा रहा हूं मैं, अभी बस स्टैंड पे जा रहा हूं, यहां से बस लूंगा और त्रंबकेश्वर जाऊंगा। तो स्टेट ट्यून देखते हैं वहां पे कितना करती है क्या है। मैंने लोकल से पूछा किया था तो नॉर्मल लाइन ही 7-8 घंटे की है और VIP लाइन में 3 घंटे लग रहे, तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सिचुएशन है। स्टेट ट्यून नासिक स्टेशन के बाहर ही है, वहाँ से कंटिन्यूसली 15-20 मिनट में बस मिल जाती है त्रंबकेश्वर के लिए। तो अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ, देखते हैं कौन सी बस मिलती है मेरे को। हम पहुंच गए मंदिर के डेपो पे, त्रंबकेश्वर मंदिर के डेपो पे पहुंच गए। अभी यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है थोड़ा, देखते हैं कितना लंबा है, कहाँ जाना है। मेन गेट है, VIP में 2 घंटे लाइन के बाद अभी गेट पे पहुंचे हैं। अब सुन गाइस, दोपहर के बजे है 3, सुबह 11 के लाइन में लगे थे VIP में और 3 बजे नंबर आया है, 4 घंटा ऑलमोस्ट। और ये पीछे देख रहे हैं मंदिर है, तो अभी बहुत क्राउड है। तो अभी कोई प्लान कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा देख के आइए, बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और है सुविधा है, अंदर पानी की बॉटल दे रहे, बिस्किट दे रहे, पर 4 घंटा लाइन में खाए पिए बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और दर्शन खाली 2 सेकंड भी नहीं हो रहे, 1 सेकंड खाली खड़े रख रहे प्रेम और सीधा भगा दे रहे, बहुत क्राउड है बहुत। गाइस, शाम के बजे है 5,
अभी मैं जस्ट नासिक और स्टेशन पहुँचा हूँ बस से। त्र्यंबकेश्वर से नासिक 45 किलोमीटर है स्टेशन, पर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा ले लेती है बस। तो वही हिसाब से अगर आप टिकट भी प्लान करें तो वही हिसाब से करना, क्योंकि मंदिर के लिए 4 घंटा तो पक्का ही है VIP लाइन में। नॉर्मल लाइन नहीं नहीं करके 6 घंटा चल रही थी नॉर्मल लाइन की। तो बस अभी होटल जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, फिर देखता हूँ शाम को कहीं निकला तो फिर ब्लॉग बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।